दिस इज नाजिया मलिक. मैं टीवी वन बहुत शौक से देखती हूँ, आप भी देखते हैं तो सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल टीवी वन पीके. सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल का बटन दबाना मत भूलें और हासिल करें बराए रास्त अलर्ट्स अपने मोबाइल पर. कदम रखते हुए खामोशियां लेकर बगुले और बादल घंटियों की ले पे यूं रत सा हमारे साथ चलते हैं हमारे साथ रहते हैं. अंग्रेज औरत रात को बाहर सोया था? आप क्यों? उसका जान हम लोग के वास्ते बहुत कीमती है. नमाज पढ़ते वक्त ध्यान खुदा की तरफ होना चाहिए ना. तुम्हारा ख्याल है हम सही नमाज नहीं पढ़ रहा था, अब तुम हमको नमाज सिखाएगा? ये तुम अंदर क्या कर रहे? इतना अंबार काम पड़ा हुआ है, कब तक तुम मरने वालों का कपड़ों के साथ रोता रहेगा? कि बेलगाम घोड़े को लगाम डालो और बागी बेटे को शादी करो. बहुत बदतमीज हो गया, अपने माँ कहता रहा. हाँ जोए सुहूत खान, वो तुम्हारे मोटर का क्या हुआ? खासा मैकेनिक बुलाना पड़ेगा शहर से. हाँ तुम फिक्र मत करो, अभी किसी को भेज देगा ट्रैक्टर पे या अपना उस पे लोडर पे, वो जाएगा शहर से मिस्त्री को ले आए. तावीज खान, क्या आपके यहाँ ये रवायत है कि मेहमान को जल्दी भिजवा दिया जाता है? ना बड़ा ना, ये कैसे बात करते हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? तावीज खान, मैं आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी को करीब से देखना चाहता हूँ, आपके रस्म और रिवाज और खासतौर पे क्या कहते हैं उसे, अतण, अतण, हाँ अतण, अतण को पेंट करना चाहता हूँ, आपकी पेंटिंग बनाना चाहता. और हमारा दादा का फोटो भी. हाँ, आपके दादा का फोटो भी. या रसूल खान, वैसे तुम शहर के लोग जो है ना, बहुत चालाक होते हैं, हम लोगों का सादगी के खूब फायदा उठाता है. हाँ, हमारा रस्म रिवाज हमारी बातें करके हम लोगों के दिल जीत लेते हैं. ठीक है बड़ा, तुम हमारा मेहमान है, जब तक तुम्हारा दिल करे तो इधर हमारा पास रहो, हम लोग कभी मेहमान को जाने का नहीं बोलता, समझा? एक बात का ख्याल रखना, अगर मेहमान हम लोग का रिवायात को पामाल करे फिर हम उसको माफ नहीं करता है, उसको जान से मार देता है. कालो कालो, वरना भूखा मर जाएगा. बहुत दिनों बाद बनाया हमने शोरबा, पता नहीं फिर मिले ना मिले. खाओ. स्पून है सर. क्या? चिमचा है. हाँ लाते लाते, रुको. बेदी अच्छा है. ये लो, ये कितना बहुत बड़ा है. स्मॉल वन, छोटा वाला. वही खुदाया सोना नखरे इस दादी. ये ठीक है? या काओ काओ काओ. Thank you.
कह रहे कहा है जी कह रहे इसका ख्याल भी अलग करो तकलीफ नहीं होना चाहिए इसको कोई अजीब आदमी हो तुम मेरे को बगैर इजाजत के यहाँ पर किडनैप करके ले आए और अब कहते हो कि तकलीफ ना हो तुम लोग ने भी हमारा मुल्क के ऊपर हमारा मर्जी के खिलाफ कब्जा किया है मैं यहाँ कब्जा करने नहीं आई काम करने आई हूँ तुम जैसे लोगों की जिंदगी के बारे में काम करने ये बहुत लंबा बहस है और हम लोग मैं मेरे मौरत के साथ बहस मैस नहीं करता है बस आखिर ये क्या चाहता है मुझसे आम लोगों का मर्द आम लोगों को कुछ नहीं बताता चुप करो और खाना खाओ मेरे को नहीं खाना इस तरह का खाना क्यों क्या हुआ इस खाने को ये शोरबा तो बहुत अच्छा है कभी कभी मिलता है हमको तो कभी खुश्क रोटी भी नहीं मिलता पाकिस्तान मेहरबान होता है तो आटा भेज देता है गुस्से में हो तो वो भी बंद कर देता है वही कभी कभी तो घास भी खाना पड़ता है इधर घास हाँ कहो कहो वही खाना खा ले खाने के बगैर कैसे जिंदा रहेगा पता नहीं कितना दिन कितना हफ्ता कितना महीना इधर रहना पड़े
क्या हुआ? रुक क्यों गए हो? बचाओ ना। मेरा नाम सऊद है, सऊद खान, और मैं तुम्हारे इस इलाके में मेहमान हूं। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, कुछ दिन यहीं पे रहूंगा, फोटो बनाऊंगा, पेंटिंग बनाऊंगा। बचाओ ना यार, तुम्हारी बांसुरी में बहुत कुछ है, बचाओ। रुको, ये लो, अब बचाओ। हर काम पैसे के वास्ते नहीं होता है, बहुत काम दिल का वास्ते भी होता है। वेल सेड। इसका मतलब है कि तुम भी किसी से मोहब्बत करते हो। ठीक है, हम बदसूरत हैं। तुम्हारी तरह हमारा जिस्म खूबसूरत नहीं है, मगर हमारा दिल तो तुम जैसा ही है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचते। मेरा मतलब हर किसी ऐसा नहीं था। ये इश्क, ये मोहब्बत, ये तो बस तकदीर के खेल है। इंसान के चेहरे और जिस्म की खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। सब बातें नहीं, सब बातें नहीं है। चलो ऐसा करते हैं कि पैसों को छोड़ो, तो मेरे दिल की खातिर बचा। हो सकता है कि मेरे दिल में कोई हो और वो तुम्हारी ये सुरीली बांसुरी सुन के तुम्हें तुबा दे। हमें तो हमारा मोहब्बत मिलेगा नहीं, मगर हो सकता है तुम्हें तुम्हारा मंजर मिल जाए। Thank you.
खुशबू किधर है? हमको क्या पता, घर तो वो टिकता नहीं। और तो इसमें इतना नाराज होने का क्या जरूरत है? सब लड़कियां गुजर जाता है। गुदर तो एक बहाना होता है लड़कियों का। गुदर बहाना होता है हा? तू भूल गया, तुम भी तो कभी जाता था गुदर। जाता था गुदर, पानी लेने जाता था। आजकल का लड़कियों की तरह नहीं था, जिनका ध्यान गुदर पर कम और गुदर पर आने जाने वालों की तरफ ज्यादा होता है। तो खुदा का खौफ किया करो, दूसरों का बेटियों पर इस तरह का तोहमत मत लगाया करो। खराब जमाना है तावीज खान कूची, माँ बाप को चार चार आंखें रखना पड़ता है। हाँ, माँ बाप को, शायद खुदा ने इसी वास्ते तुमको माँ नहीं बनाया। बच्चे देख रहा चढ़े मैसे बाबा जान, इज्जत बंदा ना खाना ठीक है? हाँ, आप पानी पिएगा? हाँ, पानी भी पिएगा, कावा भी पिएगा। पहले तुम बताओ तुमने शक्ल कैसा बनाया? है तो है, इस बदबख्त ने फिर कोई बात बोला है? हाँ हाँ, ये बदबख्त तुम दोनों का दुश्मन, तुम दोनों बाप बेटी तो हमको डायन समझता है। या, ऐसे कर, हम तुमको बोला था ना मीठा टिक्की बनाने के वास्ते, हमारे वास्ते टिक्की बना, हम उतना देर कावे के साथ इससे बात करेंगे, तुम्हारा होते तो बात नहीं हो सकता ना। जाता है देर मेरे बात एक दफा शादी हो जाए जमरुद से, तुम दोनों बाप बेटी को नहीं नचवाया तो हमारा नाम भी नरगोसा नहीं। मुर्की मुर्की इधर आ, इधर आ। ये अंग्रेज खाला मार दीन के बारे में सब कुछ जानता है, बिस्मिल्लाह उज़बिल्लाह मानी भी जानता है। खाना खराब, अगर इतना कुछ जानता है हमारे बारे में तो कलमा क्यों नहीं पढ़ता? तो मुर्तद की मौत क्यों मरता है? कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, क्या ये पढ़ने से मैं मुसलमान हो गई? हाँ? नहीं, क्योंकि ये मैंने दिल से नहीं पढ़ा। जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम्हारा मजहब सही है तो मैं खुद मुसलमान बन जाऊंगी। बेवकूफ, हमारा शौहर के सामने पढ़ो, वो तुमको छोड़ देगा। This is cheating. धोखा है ये। धोखा इंसान को तो दे सकता है लेकिन अल्लाह को नहीं। मुर्की, अंग्रेज खाले के पास मजे मजे की चीजें खाने की। नाना, क्यों? जब मैं तुम मुसलमानों के हाथों की बनी हुई चीजें खा सकते हो तो ये क्यों नहीं? ठीक है, खा लेना, पर सारा ना खा जाना, ये भूखा रह जाएगा। शिनखाली, मेरे कपड़े बहुत खराब हो गए हैं और इस माहौल में ये अच्छे भी नहीं लगते। अगर तुम्हारे जैसे कपड़े मिल जाए। नहीं नहीं, हमारा नमाजी कपड़ा है। नमाजी इंसान होता है या कपड़ा?
खाना खराब के पास हर बात का जवाब है जैसे जेब में रखा हो। चलो आओ देता है। खूबसूरत। लेकिन ये बहुत हैवी है, बहुत भारी है, मैं इसमें नहीं सो सकती। मगर हमारा औरत तो यही कपड़ा पहनता है। Hey, this seems comfortable. उसको हाथ मत लगाओ, ये हमारा आदमी का है। ये नहीं पहन सकते। नहीं, नाराज होएगा बाद में, हमको गुस्सा करेगा। By the way, तुम्हारा हस्बैंड, I mean, तुम्हारा आदमी तुमको मारता नहीं? नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। मगर हमको तो वो बहुत गुस्से वाला लगा। वो सिर्फ दुश्मन पर गुस्सा करता है। मगर हमने तो कोई दुश्मनी नहीं किया, हम तो एनजीओ में काम करते हैं। एनजीओ मींस इदारा जिसमें हम प्राइवेटली लोगों से चैरिटी लेकर दूसरों की खिदमत करता है। यू नो, मुफ्त में इलाज करता है, लोगों को ड्रग्स नशे से रोकता है, वॉटर स्कीम बनाता है, यू नो, पानी का स्कीम। और वो जो तुम्हारा कौम वाला हम लोगों पर हमला करता, बमबारी करता, वो तो तुम लोग भी तो लड़ाई करता है। हमारा तो हक है, तुम लोगों ने हमारा मुल्क पे कब्जा जो किया है। जब तुम लोग लड़ाई छोड़ेगा, हमारे मुल्क पर अटैक करने की मंसूबाबंदी छोड़ेगा, हमारे दुश्मनों को अपने मुल्क में पनाह देना छोड़ेगा, तो हम भी तुम्हारे मुल्क को छोड़ देगा। नहीं छोड़ेगा, इधर तो खजाने हैं, हमको पता है, या सोना चांदी है पहाड़ों में। तुम लोग यहाँ पर नहीं जाएगा इतनी आसानी से। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, हमको तुम क्या समझते हैं, हम सादा लोग हैं? सब समझता है, इतना सादा ना समझो हमको। एनीवेज मैं सो जाऊं? सो जाओ, जब जवाब नहीं आता तो सोने का बात करता। जा जाओ, सो जाओ। ऑलराइट, गुड नाइट। Good night. आओ, आप ऐसा करो कि इस दरख्त के नीचे खड़े हो जाओ। ये रे, इस दरख्त के नीचे क्या करेगा, इसमें तो साया है ना कुछ, बुड्ढा दरख्त है। तावीज खान, आपको क्या पता ये दरख्त कितना खूबसूरत है? ये खूबसूरत है भाई, अगर ये खूबसूरत है ना तो इस दुनिया में हम से खूबसूरत कोई आदमी और है ही नहीं। तावीज खान, ये दरख्त मुंह बोलती तस्वीर है। बड़ा क्यूट, मत बोलो, दरख्त कैसे बोलता है यार? बोलता है, दरख्त भी बोलता है, बस जो वो बोलता है उसकी समझ होनी चाहिए। तुम समझता है? हाँ। हम सारा जिंदगी जंगल में गुजारा, हम नहीं समझता, तुम समझता है, शहर से आके उतर समझता है। हाँ। अच्छा, अभी कैसे करें? मुझे चेहरे की तासुरात चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए। क्या चाहिए?
تاثرات مطلب کہ سمجھو جیسے تمہارا چہرہ بولتا ہے. چہرہ نہیں بولتا ہے, منہ بولتا ہے. آؤ, جب ریڈی بولوں مطلب ریڈی. ہلے نہیں. ہاں ہلو مت. بولو. ریڈی. تم لوگ اتنا سارا روٹی کھاتے ہو, صرف تین لوگ؟ نہیں تو پھر یہ ہمارا مجاہد بھائی کھاتا ہے. تو تم مجاہدین کے لیے کام کرتے ہو؟ ہاں. دیٹ مینز تم ان کی نوکر ہو, رائٹ؟ مجاہدین کی خدمت کر کے کوئی نوکر نہیں ہوتا, ہم اپنا ملک کا خدمت گار ہے. اور تم کو پتا ہے مجاہد کی خدمت کرنا, اس کا ساتھ دینا سے عورت کو بھی جنت میں جگہ ملتا ہے. تو میں بھی تو یہاں خدمت کرنے کے لیے آئی تھی, تمہارے مردوں نے مجھے یہاں کیوں بند کر دیا؟ کیونکہ تم خدمت کرنے کے لیے نہیں آیا, تم ہمارے ملک سے چیزیں لے جانے کے لیے آیا ہے. تمہارے ملک میں ہے کیا یہ سوکھا آٹھا تک تو ہے نہیں تم لوگوں کے پاس. ایجوکیشن نہیں ہے, سکون نہیں ہے, وائلنس, بلڈ, خون خرابہ, بوم بلاسٹنگ, کیا ہے تمہارے ملک میں؟ یہ سب تم لوگ کراتا. ہم لوگ تو ابھی آ رہا ہے, ہم سے پہلے جنوبی اور شمالی جو لڑتے تھے وہ تم لوگ لڑاتا تھا ہم لوگ کو. تمہارے پاس عقل نہیں ہے, کیوں لڑتا ہے تم دوسروں کے لیے؟ ہماری ماں, ہم تمہارے ساتھ بحث نہیں کر سکتا. تم چل کے کھانا کھاؤ. کھانا کھانا کھانا, تم لوگوں کے پاس کھانے اور سونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. اگر تھوڑا بہت ٹائم بچ جاتا ہے تو اس میں تم لوگ جنگ کرتے ہو, لڑتے ہو, دیٹس اٹ. اب تمہارا کہنا سے یہ جنگ ختم تو نہیں ہونے کا, اللہ ہی ختم کرے جنگ کو. پتہ نہیں کون سا بلا کچھ آیا ہمارا ملک میں جو صرف انسانی خون پیتا ہے, انسانی گوشت کھاتا ہے. دعا کرو یہ بلا ہمارا ملک سے جلدی چلا جائے. تمہارا آدمی کہاں ہے؟ کیا پتا ہمیں, وہ کب آئے گا؟ اب حکومت سے بات ہوگی یا نہیں؟ ہم نے کہا نا, ہم کو کیا پتا کب آئے گا. ہم گھر میں کام کرتا ہے, ہم عورت ہے, وہ باہر کا کام کرتا ہے. اوکے, اب یہاں ٹی وی نہیں ہے کیا؟ او گاڈ, ٹی وی جس میں تصویر چلتا ہے, خبریں آتی ہیں, ڈراما چلتا ہے. سینما؟ توبہ توبہ, او کافرا, تم ہم کو بھی کافر بنائے گا؟ کیوں, ٹی وی سے کیا ہوتا ہے؟ نوچت, ناچ گانا, گناہ ہوتا ہے. او گاڈ. Alright, radio ہے؟ ہاں ہے, مگر صرف ہمارا مرد سنتا ہے. عورتوں کو گناہ ہوتا ہے نامحرم کی آواز سننا سے. God, moving off this country is impossible. کیا تم لوگ بہت ترقی کرے گا؟ انشاءاللہ. کیا کہہ رہی بابون؟ نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے, مگر اس پر تعویز خان کا مہربانیاں دیکھ کر میرے دل میں ایک خطرے کا گھنٹی بجتا ہے. بے غیرت کا بچہ, ہم کو معلوم تھا کہ تم کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. تم کو منع کیا تھا کہ عورتوں کا تصویر نہیں لینا ہے, پھر یہ غلطی کیوں کیا تم نے؟ یہ دل کی باتیں ہیں.